हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आशा करता हूँ सभी आप स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे, और मैं भी बहुत स्वस्थ और कुशल मंगल हूँ। तो अभी हम जो अनुकूल श्याल जी हैं, उनकी शादी में आए हुए थे, तो उन्होंने हमें हमारे लिए इस तरह से, ये होटल है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे गीजर वगैरह भी है अंदर, तो व्यवस्था कर रखी है। तो इस तरह से ये हमारी बस है, और अभी रुके हैं यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से आगे जस्ट सामने हमारे भैया बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा संतोष बतौड़ी। संतोष बतौड़ी जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। सर आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, आपका स्वागत है जेम्स राउत ब्लॉग में। तो कहाँ, और हमारे ऑल टाइम फेवरेट हमारे चाचा जी बैठे हैं यहाँ पे, अभी काम में लगे हुए हैं कुछ। तो चाचा जी नमस्कार, सबसे पहले आपको स्मार्ट लग रहे हो एकदम, ऑल टाइम फेवरेट हमारे। और ये देख सकते हैं चेहरे पे मुस्कान आ गई चाचा जी के। और ये हमारे दूसरे चाचा जी हैं, ये ऑल टाइम हमेशा हंसते हुए और खुश रहते हैं, इनका मिसाज। ये दादा जी भी बैठे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठे काका श्री श्री महेंद्र सिंह रावत जी, हमारे खासम खास। तो सर कैसा रहा अनुभव आपका शादी का? बहुत बढ़िया रहा, बहुत एंजॉय किया। डांस करा नहीं करा? और ये हमारे अज्जू भाई बैठे हुए हैं। सर कैसा है आप, नींद पूरी आई? फेवरेट राहुल भाई बैठे हैं हमारे, ये हमारे हैं। तो ये शाहिद कपूर लगते हैं अपने ग्रुप के। और यहाँ पे जॉन इब्राहिम भी बैठे हैं हमारे, हमारे लक्की सर। सर स्मार्ट लग रहे हो सर आप, और कैमरे में तो आपकी स्माइल मतलब लड़कियाँ पैदा हो जाएंगी। अब आते हैं वन मैन आर्मी मैन हमारे सूरज सिंह रावत जी। तो भाई इतनी तारीफ कर जा रहा हूँ, कभी नहीं हो। देखिए ये हैं बुलंद हाथों में, देखिए इनकी जो पकड़ है भाई, इन हाथों की नसों में जो खून नहीं हो। तो ये हमारे सबसे मेहनती इंसान है, और हमारे ग्रुप में कभी भी काम के लिए पीछे नहीं रहते भाई। और अब आते हैं मोहित दा, जिनको मैंने कल बताया था इनका नेचर और बिहेवियर बहुत अच्छा है। धन्यवाद। कल डांस करा नहीं करा सर? करके कमर ठीक है अभी? चलो बढ़िया है सर, मिलकर अच्छा लगा सर, धन्यवाद। गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आशा करता हूँ सभी आप स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे, और मैं भी बहुत स्वस्थ और कुशल मंगल हूँ। तो आज हमारे साथ आशीष भाई और मेरे ऑल टाइम फेवरेट मोहित भाई हैं। तो मोहित दा तो मतलब हमेशा मिलते ही रहते हैं, मैं इनको वैसे दा क्यों बोलता हूँ वो भी इसका एक रीजन बताऊंगा, क्योंकि है तो ये मेरे से छोटे, बट इनका दिल जो है वो बहुत बड़ा है। और एक तो अभी हम जो अनुकूल श्याल जी हैं, उनकी शादी में आए हुए थे, तो उन्होंने हमें हमारे लिए इस तरह से, ये होटल है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे गीजर वगैरह भी है अंदर, तो व्यवस्था कर रखी है। तो
तो क्योंकि आप देखते हैं पहाड़ में शादियां होती हैं, दिल्ली में जो शादी होती है सोने की बड़ी दिक्कत होती है, तो उन्होंने सोने का इंतजाम ये करा, उन्होंने कहा आप होटल्स वगैरह ले लो, खाने वगैरह जो भी बिल आएगा आप मेरे को बता देना, उसकी पेमेंट हम कर देंगे। तो इस तरह से होटल में रुकवाया हुआ है उन्होंने हमें, और बहुत ही अच्छा होटल है। और ये देखिए, और कल हम यहीं पे सोए थे, तो अभी चल रहे हैं, तो अंकित भाई की शादी में चलते हैं, फिर वहाँ का ब्लॉग बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या तैयारी चल रही है वहाँ पे। और शायद मेरे ख्याल से 9 या 9:30 बजे हमारी बस निकल जाएगी ऋषिकेश के लिए, तो इसलिए हम सुबह जल्दी उठ गए थे, सबने नहा धो लिया। ये देखिए मोहित आप शूज़ वगैरह भी पहनने लगे, तो अब चलते हैं यहाँ से, फिर मिलेंगे। से ये हमारी बस है और अभी रुके हैं यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है देखिए पूरी बस है इस तरह से। चलो भाई, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? अमित। अमित भाई, पूरा नाम क्या है? अमित नेगी। अमित नेगी जी, मिलके अच्छा लगा सर आपसे। थैंक यू भाई। देखना जेम्स रावत ब्लॉग में। बोतल है? हाँ, क्या बोल रहे भाई से? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश। किधर हो रही है सर? सर आज शायद मेरा नाम वीरेंद्र नेगी है। सर महेंद्र नेगी। वीरेंद्र नेगी जी, हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं सर आप? अरे बेसिकली कोटा बाग जा रहे हैं, शादी में मेरा कजन की शादी है। अच्छा, तो उसी शादी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। चलो सर, सर स्माइल बहुत अच्छी है सर आपकी। और ये लक्की सर है हमारे साथ। सर कैब अच्छी लग रही है आपकी, और आप भी कोटा बाग जा रहे हैं सर? चलो बढ़िया है सर, पहाड़ियों से मिलके हमेशा खुशी होती है सर, अपना प्रेम भाव हम बना रहे हैं हमेशा। तो सर भाई हैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से आगे, जब सामने हमारे भैया बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा संतोष। संतोष जरूरी जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। सर आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, आपका स्वागत है जेम्स राउत ब्लॉग में। तो कहाँ हो रही है सर आज सर आपकी? आज हम ऋषिकेश जा रहे हैं, दिल्ली से रात ऋषिकेश जा रही है, और हमारे दोस्त की बरात है, तो यहाँ से कल हम आ गए थे, आज हम ऋषिकेश जा रहे हैं। बैठे हैं और बाबूजी है ना, तो ये बाबूजी बैठे हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बुद्धि वल्लभ दयाल। अच्छा सर, आप भी बरात में जा रहे हैं? हेलो सर, मिलकर अच्छा लगा आपसे। और हमारे ऑल टाइम फेवरेट हमारे चाचा जी बैठे हैं यहाँ पे, अभी काम में लगे हुए हैं कुछ। तो चाचा जी नमस्कार, सबसे पहले आपको स्मार्ट लग रहे हो एकदम, ऑल टाइम फेवरेट हमारे। और ये देख सकते हैं चेहरे पे मुस्कान आ गई चाचा जी के। और ये हमारे दूसरे चाचा जी हैं, ये ऑल टाइम हमेशा हंसते हुए और खुश रहते हैं इनका मिसाज। ये दादाजी भी बैठे हैं यहाँ पे। तो दादाजी है, देखो लग रहे हैं सबसे जवानदार दादाजी हैं। चाचा जी हैं ये हमारे, ये भी जा रहे हैं शादी में। सर कैसा रहा कल का न्यू ईयर का? बहुत बढ़िया रहा, सबने एंजॉय किया। अच्छा, और ठंड ज़्यादा थी, ठंड ज़्यादा थी, रात को नींद आई नहीं आई? नींद आ गई थी। अच्छा, मेरी नींद में दो चार जग गए थे बस, राजा की वजह से। सही है सर, मिलके अच्छा लगा सर आपसे। तो यहाँ पे बैठे काका श्री श्री महेंद्र सिंह रावत जी हमारे खासम खास। तो सर कैसा रहा अनुभव आपका शादी का? बहुत बढ़िया रहा, बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। डांस करा नहीं करा? फ्रेश होने के लिए। और ये हमारे अज्जू भाई बैठे हुए हैं। सर कैसा है आप? नींद पूरी आई? 35 रुपये खर्च करें। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है? चलो बढ़िया है सर। और अपने ऑल टाइम फेवरेट राहुल भाई बैठे हैं हमारे, ये हमारे हैं तो ये शाहिद कपूर लगते हैं अपने ग्रुप के। और यहाँ पे जॉन इब्राहिम भी बैठे हैं हमारे, हमारे लक्की सर। सर स्मार्ट लग रहे हो सर आप, और कैमरे में तो आपकी स्माइल मतलब लड़कियाँ फिदा हो जाएंगी। आप आते हैं वन मैन आर्मी मैन हमारे सूरज सिंह रावत जी। भाई इतनी तारीफ कर जा रहा हूँ, मैं कभी नहीं हो। देखिए ये हैं बुलंद हाथों में, देखिए इनकी जो पकड़ है भाई, इन हाथों की नसों में जो खून नहीं हो। तो ये हमारे सबसे मेहनती इंसान है और हमारे ग्रुप में कभी भी काम के लिए पीछे नहीं रहते भाई। धन्यवाद, इनका बहुत अच्छा है। और अब आते हैं मोहित दा, जिनको मैंने कल बताया था इनका नेचर और बिहेवियर बहुत अच्छा है। धन्यवाद। कल डांस करा नहीं करा सर? करके कमर ठीक है अभी? बस चलो बढ़िया है सर, मिलके अच्छा लगा सर। धन्यवाद। तो गाइस अभी शिवा ढाबा में रुके हैं खाने के लिए, और आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये हमारी DL1 BC 5370 नंबर है गाड़ी है, और सामने थार भी खड़ी है भाई।
और इस तरह से है यहाँ पे। तो ये मेरठ वाला पूरा हाईवे है जो ऋषिकेश के लिए जा रहा है, इस तरह से कुछ नज़ारा है। ये देखिए पूरा हाईवे है ये। तो गाइस अभी रुके हैं शिवा टूरिस्ट ढाबा में और यहाँ से मुश्किल से तीन घंटे में हम ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। और आज अनुकूल शिवाल जी की शादी है तो सभी दोस्त टेम्पो ट्रैवलर में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। साथ हैं मौजूद हमारे चाचा जी, ये बड़े चाचा हैं। इनका एक तो मेरे को सबसे अच्छा लगता है इनका नरम स्वभाव, एकदम नरम स्वभाव के हैं और अपने बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आई एंजॉयिंग इट। अच्छा लग रहा है आपको? कल न्यू ईयर थे, कल भी अच्छा था? न्यू ईयर तो बहुत अच्छा था और इंजॉय किया हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, और अच्छा रहा मतलब, पर ठंड ज़्यादा थी। ठंड ज़्यादा। बाकी सवारी यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं इधर, और इधर कुछ सो रहे हैं, ये तो खाली है, बाहर है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम योग नगरी ऋषिकेश बारात घर में, और आप देख सकते हैं बड़े धूमधाम से हमारा स्वागत किया जा रहा है और पूरे अतिथिगण भी है अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्त वगैरह भी पहुंच चुके हैं और वो कैमरामैन भाई साहब भी है। भाई सभी यहां पे रुके हैं और इस तरह से व्यवस्था है रुकने की, आप देख सकते हैं। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, सब डिसाइड कर रहे हैं कौन कहाँ पर सोएगा। तो अभी यहाँ से कपड़े वगैरह हम चेंज करेंगे और फिर बारात के लिए प्रस्थान करेंगे। और देख सकते हैं रज्जू भाई भी वहाँ पे आराम कर रहे हैं और इस तरह से रूम मिला है हमें। आप देख सकते हैं हमारे दूल्हे राजा अनुकूल शिवाल जी भी आ चुके हैं और वो रेडी हो चुके हैं और बारात अब प्रस्थान होने वाली है कुछ ही देर में। और सभी अतिथिगण अभी डांस कर रहे हैं और लुत्फ़ उठा रहे हैं बारात का, और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, और इसका एंजॉय करते हैं और आगे ब्लॉक में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से कुछ दूल्हे राजा का रथ है और आप देख सकते हैं हमारे दूल्हे राजा अनुकूल शिवाल जी भी उसमें सवार हो चुके हैं और कुछ ही क्षणों में अब बारात प्रस्थान करेगी विवाह घर के लिए। और इस तरह से बहुत ही सुंदर देखिए रथ सजा हुआ है, और आगे बढ़ते हैं जेम्स राउत ब्लॉक में, बहुत सारा फन अभी बाकी है। नजर न लागली, नजर न लागली, नजर न लागली, नजर न लागली।
तो दोस्तों कुछ ही क्षणों में हमारी बारात पहुंचने ही वाली थी बारात घर में, और आप देख सकते हैं पटाखों के द्वारा क्या शानदार स्वागत किया जा रहा है और क्या ही बेहतरीन दृश्य देखिए आसमान में देखने को मिल रहा है। पटाखों की जो चमक है वो आंखों को चकाचौंध कर रही है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और अब हम कुछ ही देर में बारात घर में प्रस्थान करेंगे, तो वहाँ पे जो चहल पहल है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन जो कि बारात घर है उसके जस्ट गेट पर पहुंच चुके हैं और हमारा वेट कर रहे हैं सभी, और क्या शानदार स्वागत किया जा रहा है हमारा। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह से नज़ारा है। लाइटनिंग एक नंबर की गई है, डेकोरेशन आप देखेंगे शानदार है, सेटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अतिथिगण आ चुके हैं ऑलरेडी, अभी मौजूद है ऋषिकेश में, और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं और इस तरह से पूरा ये है, अंदर को तो मैं दिखा चुका हूं आपको, तो किस तरह से है।
देखना चाहो ना सामने मेरे कैमरे में देखना। Thank you.